इंग्लैंड की पहली पारी 391 रनों पर सिमट गई। उन्हें भारत पर 27 रनों की बढ़त मिली। जी हाँ दोस्तों, जो रूट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नबाद 180 रन बनाए। इनका अंतिम विकेट गिरते ही तीसरे दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया गया। इससे पहले तीसरे दिन के पहले सेशन में आते ही इंग्लिश बल्लेबाजों ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और भारतीय गेंदबाजों को परेशान भी किया। बीच में उतनी हलचल नहीं होने का फायदा उठाते हुए जो रूट और जॉनी बरिस्टो ने कमजोर गेंदों को सीमा रेखा से बाहर भेजा। इस दौरान रूट ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन उनका धैर्य उसी तरह बना रहा और वह लगातार खेलते रहे। बेरिस्टो ने भी दूसरे छोर से अपने शॉट जारी रखे, वह भी 50 पूरा करने में सफल रहे। इस तरह लंच तक दोनों ने विकेट गिरने नहीं दिया और कुल स्कोर को 216 रनों के पार लेकर गए। रूट 89 और बेरिस्टो 51 रन बनाकर क्रीज में मौजूद रहे। बता दें कि दूसरे सेशन में भी इंग्लैंड की बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रही। इस दौरान जो रूट ने लगातार दूसरा शतक पूरा कर लिया। पिछले मैच में भी वह शतक जड़ने में सफल रहे थे। अब सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जॉनी बरिस्टो 57 और जॉस बटलर 23 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें सिराज और ईशांत ने आउट किया। हालांकि रूट एक छोर पर खड़े रहे। सेशन समाप्ति तक इंग्लैंड का स्कोर 314 रनों पे 5 विकेट रहा। रूट 132 और मोइन अली 20 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद रहे थे। वहीं तीसरे सेशन में टीम का छठा विकेट मोइन अली के रूप में गिरा। जी हां, हालांकि जो रूट एक छोर पर टिककर खड़े रहे और रन बनाते रहे, चलने बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन जो रूट 180 रन बनाकर नबाद रहे और इंग्लैंड की टीम 391 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उन्होंने पहली पारी के आधार पर 27 रन की बढ़त बना ली। मोहम्मद सिराज ने 4 और ईशांत शर्मा ने 3 विकेट झटके।